जोहार, नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो खांची 90.4 FM, हम सब का रेडियो। मैं डॉक्टर कमल बोस रेडियो खांची के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आप सभी को एक कार्यक्रम से जोड़ रहे हैं जिसमें हम याद कर रहे हैं एक नायाब फिल्मी हस्ती को, जिन्होंने अपनी अप्रतिम प्रतिभा से भारतीय फिल्म जगत को सींचा, संवारा, विस्तार दिया, समृद्धि दी। आप हैं स्थापित निर्माता निर्देशक बिमल रॉय, जिनका आज जन्म दिवस है। एक चिरंतन सी प्यास का नाम है जिंदगी, किरदार की खूबसूरत किताब है जिंदगी। एक चिरंतन सी प्यास का नाम है जिंदगी, किरदार की खूबसूरत किताब है जिंदगी। किसी नौजवान को धरोहर में मिली, किसी नौजवान को धरोहर में मिली इल्मो हुनर की बेमिसाल किताब है जिंदगी। बेमिसाल हुनर, इल्म, तालीम और तजुर्बा के बलबूते फिल्मी दुनिया में अपना मुकाम हासिल करने वाले, अपनी प्रतिभा के बल पर बुलंदी और हौसले का पंख लगाकर कामयाबी की ऊंची उड़ान भरने वाले, फिल्मी अदब और प्रदर्शन को एक स्तर एवं ऊंचाई देने वाले स्थापित निर्देशक हैं बिमल रॉय। सुआपुर ढाका जिले में 12 जुलाई 1909 ईस्वी को उनका जन्म हुआ। वो एक जमींदार परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उनकी फिल्में किसी भी तरह की असमानता के खिलाफ थीं। यथार्थवादी और व्यवहारिक फिल्मों के निर्माण और उनके निर्देशन में उनका विशेष लगाव था। 2 बीघा जमीन, परिणीता, विराज बहू, मधुमति, सुजाता, बंदिनी जैसी अनेक फिल्मों ने समाज में फैले यथार्थ को प्रस्तुत किया, अपनी विशेष दृष्टि के साथ समाज को दिशा दी। ऐसी अनेक सुपरहिट कामयाब फिल्मों के कारण हमारे करीब हमेशा रहेंगे बिमल रॉय। गंगा और जमुना की तू गहरी है धार, आगे या पीछे सबको जाना कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, 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 मौसम बीता जाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए ना आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता हर सांस तराने गाए, हाय
तेरा दिल क्यों मुरझाए, मन की बंसी पे तू भी कोई धुन बजा ले भाई, तू भी मुस्कुरा ले, ओ हो हो हो, मन की बंसी पे तू भी कोई धुन बजा ले भाई, तू भी मुस्कुरा ले। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस गोर तू फिर आए ना, भाई रे भाई रे बिमल रॉय ने हमारे लिए फिल्मों की भव्य विरासत छोड़ी है। सिनेमा जगत के लिए यह अनमोल है। मधुमती फिल्म विमल राय के सीने सफर में नया मोड़ दे जाती है। दिलीप कुमार एवं वैजयंती माला द्वारा अभिनीत यह फिल्म बहुत ही उम्दा है, बहुत खास है। यह फिल्म विमल राय की बड़ी कामयाब हिट फिल्म है। डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफल आए मौसम हसी, ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर, ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर, कहीं गुन गुन कहीं रुन झुन के जैसे नाचे जमीन, सुहाना सफल मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफल मौसम हसी, ये गोरी नदियों का चलना उछल कर, ये जैसे अल्हड़ चले पीछे मिलकर, ये गोरी नदियों का चलना उछल कर, ये जैसे अल्हड़ चले पीछे मिलकर, प्यारे प्यारे ये नजारे निखार है हर कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, आसमां झुक रहा है जमीन पर, वो आसमां झुक रहा है जमीन पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर, वो आसमां झुक रहा है जमीन पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर, मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद ही, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम तो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। बिमल रॉय मतलब हिंदी सिनेमा में प्रचलित
यथार्थवादी और व्यावसायिक धाराओं के बीच की दूरी को पाटने वाली एक शख्सियत। बिमल रॉय मतलब संवेदनशील एवं मौलिक फिल्मकार। बिमल रॉय मतलब सामाजिक फिल्मों के निर्माता निर्देशक। बिमल रॉय मतलब मध्यम वर्ग एवं गरीबी का दंश झेलकर जीवन जीने वाले लोगों के समाज का दर्पण, अर्थात बिमल रॉय का अर्थ हुआ सामाजिक सरकारों से जुड़ने एवं जूझने का आह्वान करने वाला फिल्म निर्माता निर्देशक। एक से बढ़कर एक फिल्मों के द्वारा फिल्मी जगत को समृद्ध करते रहे सदा आप बिमल रॉय। पापी बिछुआ बिछुआ कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ मंतर फेरू कोमल काया छोड़ के जा रे छू जाने 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 पापी बिछुआ बिछुआ कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ
टूट के रह गए टंक उतर गए बिछुआ टूट के रह गए टंक उतर गए बिछुआ सैया को देख के जाने किधर गए बिछुआ सैया को देख के जाने किधर गए बिछुआ कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ ओ दया रे दया रे चढ़ गए पापी बिछुआ बिमल रॉय ने अपना कैरियर न्यू थिएटर स्टूडियो कोलकाता में बतौर कैमरामैन शुरू किया। 1935 ईस्वी में रिलीज हुई के एल सहगल की फिल्म देवदास में बतौर सहायक निदेशक आपने काम किया। साफ सुथरी फिल्म बनाते रहे आप। मानवीय अनुभूतियों एवं मानव मन के सच्चे पारखी थे बिमल रॉय। फिल्मों के द्वारा वे सामाजिक मनोवैज्ञानिक जमीन की पड़ताल करते, घटनाओं का विवेचन विश्लेषण इन दृष्टियों से करते। उन्होंने न केवल अपनी फिल्मों में सामाजिक समस्याओं को उठाया बल्कि समाधान की जमीन भी तैयार की। उनकी समझ विलक्षण थी, उनका निर्देशन कौशल बेमिसाल था। बंदिनी सुजाता जैसी फिल्मों में उनका निर्देशकीय कौशल स्पष्टतः झलकता है। काली घटा छाए मोरा जिया तरसा ऐसे में कहीं कोई मिल जाए रे काली घटा छाए मोरा जिया तरसा ऐसे में कहीं कोई मिल जाए बोलो किसका क्या जाए रे क्या जाए रे क्या जाए काली घटा छाए मोरा जिया तरसा मेरे बेरंग जीवन को पहले
कविंद्र रविंद्र लिखित जनगणमन राष्ट्रीय गान बनने के पहले विमल रॉय की फिल्म हमराही में पहली बार प्रस्तुत हुआ था। एक महान फिल्मकार थे विमल रॉय, जिन्होंने हिंदुस्तानी सिनेमा के साथ हॉलीवुड को भी प्रेरित किया था। 1953 ईस्वी में आई फिल्म दो बीघा जमीन ने सबका ध्यान खींचा, क्योंकि इस फिल्म के जरिए पहली बार नियो रियलिज्म की तस्वीर प्रस्तुत की गई थी। विमल रॉय के निर्देशन पर बनी इस फिल्म ने हिंदुस्तानी सिनेमा को नया और सुंदर रास्ता दिखाया। समाजवाद से प्रेरित, प्रभावित एवं सिनेमा में वंचित सर्वहारा की आवाज़ उठाते थे विमल रॉय साहब। उन पर कमर्शियल फिल्म बनाने का भी दबाव था। बॉक्स ऑफिस की ज़रूरत के मुताबिक फिल्म बनाने में भी वे माहिर थे, जिसके फलस्वरूप फिल्में बनी नौकरी, मधुमति। पुनर्जन्म की अवधारणा पर बनी यह फिल्म मील का पत्थर साबित हुई। आगा हर्ष कश्मीरी की कहानी यहूदी की लड़की से प्रेरित होकर उन्होंने यहूदी बनाई। जात पात छुआछूत के मुद्दों पर बनी फिल्म सुजाता, लोकतंत्र पर व्यंग्य प्रहार करती फिल्म परख, फिर नारी सम्मान पर केंद्रित फिल्म वंदिनी और ऐसी अनेक फिल्में। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। हम भी हम चमकेंगे तारों के उस गांव में, आंखों की रोशनी हरदम ये समझाए। की कुर्सी पे बैठे मेरी छोटी बहना, चांदी की कुर्सी पे बैठे मेरी छोटी बहना, सोने के सिंहासन पे बैठे मेरी प्यारी माँ। मेरा क्या मैं पड़ा रहूँगा अम्मी जी के पाँव में, मेरा क्या मैं पड़ा रहूँगा अम्मी जी के पाँव में। आ रे छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। मेरी छोटी बहना नाजों की पाली शहजादी, मेरी छोटी बहना नाजों की पाली शहजादी, जितनी भी जल्दी हो मैं कर दूंगा इसकी शादी। अच्छा है ये भला हमारी जाए दूजे गांव में, अच्छा है ये भला हमारी जाए दूजे गांव में। आ रे छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। कहेगी माँ दुल्हन ला बेटा घर सूना सूना है, कहेगी माँ दुल्हन ला बेटा घर सूना सूना है। मन में झूम कहूँगा मैं माँ इतनी जल्दी क्या है, गली गली में तेरे राज दुलारे की चर्चा है, गली गली में तेरे राज दुलारे की चर्चा है। आखिर कोई तो आएगा इन नैनों के गाँव में, आखिर कोई तो आएगा इन नैनों के गाँव में। आए रे बंगला साहित्य के महान लेखक शरद चंद्र की उपन्यास परिणीता पर बनी फिल्में विराज बहु और देवदास आज भी
दूसरे फिल्मकारों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करती हैं। देवदास ने तो अभिनय सम्राट दिलीप कुमार को रातोंरात ट्रेजेडी किंग बना दिया। इसी के साथ सामाजिक ताने बाने में स्वाछूत के दर्दनाक अंजाम को पर्दे पर लाने का साहस विमल राय ने दिखाया। इसी बीच दर्शकों को ऐसा लगने लगा कि विमल राय सिर्फ पैरेलल सिनेमा बनाने के उस्ताद हैं। इस धारणा का उन्होंने खंडन किया 1963 ईस्वी में नूतन के साथ फिल्म बंदिनी बनाकर, और दुनिया को बता दिया कि उनका रेंज क्या है और कितना है। यह सहज और सेंसिटिव फिल्म बंदिनी दर्शकों की हर कसौटी पर खरी उतरी, दर्शकों को भा गई। विमलदा सिर्फ फिल्मकार ही नहीं थे, अपने आप में एक संस्था थे। उन्होंने सलील चौधरी, ऋषिकेश मुखर्जी, ऋत्विक घटक, कमल बोस, नुमेंदु घोष, रघुनाथ झलानी, गुलजार जैसी नायाब हस्तियां हिंदी सिनेमा को दी। गुलजार के लिए वे डायरेक्टर या गुरु से बढ़कर पिता समान थे। उनकी बेटी ने अपनी दूसरी पुस्तक द मैन हु स्पोक इन पिक्चर्स में लिखा है। श्याम बेनेगल ने अपने इंटरव्यू में लिखा है कि कैमरा को लेकर विमल दा की समझ लाजवाब थी। फोटोग्राफी में रोशनी के प्रभाव को जितना बखूबी उन्होंने दिखाया है, उसका मुकाबला बहुत कम फिल्मकार
कर सकते हैं। फिल्मों का सेट बनाने के बजाय बिमलदा आउटडोर लोकेशन को ज़्यादा तरजीह देते थे। सचमुच 2 बीघा जमीन में हावड़ा ब्रिज पर शूटिंग करना उन दिनों कमाल की बात थी, जबकि उस समय सिनेमा जहां तरेक से लवरेज था, वहीं बिमलदा ने किरदारों को हकीकत की ज़मीन पर परखा। किसी को लार्जर देन लाइफ नहीं बनाया, कथानकों के चयन में उनकी दृष्टि साहित्यिक थी। जैसे टैगोर की काबुलीवाला, शरद चंद्र का देवदास एवं सुजाता तथा 2 बीघा जमीन जैसी समकालीन कहानियां थीं जिनमें सर्वहारा इंसान समाज में अपना वजूद खोज रहा था। पढ़ाई के बाद वे फिल्मों में कुछ खास करने के लिए कोलकाता चले गए, जहां न्यू थिएटर्स स्टूडियो में कैमरा असिस्टेंट बन गए। 1935 ईस्वी में फिल्म देवदास में निर्देशक पीसी बरुआ को असिस्ट किया। कुंदन लाल सहगल इस फिल्म के नायक थे। 20 साल बाद यानी 1955 ईस्वी में बिमलदा ने दिलीप कुमार को लेकर देवदास का अपना संस्करण बनाया, जो काफ़ी चर्चित हुआ। इससे पहले उन्होंने 1944 ईस्वी में बंगला फिल्म उदयर पाथे बनाई। हिंदी में इसे हमराही नाम से रिलीज किया गया। यह फिल्म विचारधारा, अधिकार और ताकतवर का सामना करने की लड़ाई बन जाती है। इस फिल्म में टैगोर के 3 गाने शामिल किए गए। इसमें पूरा जनगणमन भी था, जो बाद में भारत का राष्ट्रगान स्वीकृत हुआ।
गले लगा लो है मेरे हमराहे। तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो। मुझको संभालो ऐ मेरे हमराही। तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही। तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो। भारत की आज़ादी के एक दशक बाद ही
1960 ईस्वी में विमल दा ने फिल्म परख का निर्देशन किया। पिछली फिल्मों की तुलना में यह फिल्म हल्की फुल्की थी, पर कथानक बहुत ही मजबूत था। लोकतांत्रिक व्यवस्था पर जबरदस्त कटाक्ष यहाँ किया गया है। इससे पहले उनकी फिल्म नौकरी 1954 ईस्वी में रिलीज हुई थी। यह फिल्म विमल दा की फिल्मोग्राफी में सबसे अलग थी। प्रतिभा के अद्भुत पारखी थे विमल रॉय, विलक्षण फिल्मकार थे विमल रॉय। मूल रूप से संगीतकार के रूप में ख्याति प्राप्त सलील चौधरी के लेखन की ताकत को उन्होंने पहचाना था, तभी तो दो बीघा जमीन जैसे अनेक अनमोल फिल्म की प्राप्ति हम सबको हुई। यदि प्रगतिशील साहित्य की तरह प्रगतिशील सिनेमा की बात की जाए तो निश्चित रूप से विमल रॉय इसके पुरोधा माने जाएंगे। अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किए गए विमल दा, 11 बार फिल्म फेयर का श्रेष्ठ निर्देशन के लिए, 7 बार श्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय कान पुरस्कार दो बीघा जमीन के लिए पाना उनकी अप्रतिम प्रतिभा एवं उपलब्धियों को बयां करता है। विमल रॉय जिन्होंने सीमित साधनों के बावजूद भारतीय फिल्मों को अपनी असाधारण असीमित प्रतिभा से संवारा, उसे एक मुकाम तक पहुंचाया, समय सदियों तक उन्हें याद करता रहेगा, हम सब के विमल रॉय को। तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। तो ये बहार क्या बहार है, गुल नहीं खिले तो तेरा इंतजार है। तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है, गुल नहीं खिले तो तेरा इंतजार है, के तेरा इंतजार है, के तेरा इंतजार है। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ जा। दिल थड़क थड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारे हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। दिल थड़क थड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारे हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा।
दिल धड़क धड़क के दे रहा है।